मैं सनातनी हूँ, ये भी इस्लाम से ताल्लुक रखता है, मैं इसके सामने चिल्ला दूँ जय जय श्री राम, ये अलग और चिल्लाएगा, मैं रुकसा रहा हूँ, जय जय हिंद, तो ये भी जय हिंद चिल्लाएगा। 5 लाख नौकरियाँ बची हैं, उसके लिए 50 करोड़ को एजुकेशन देना है, आप इस पर बात नहीं करेंगे। देखिए, मेरा किसी नेता विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आप मेरे भाई हो, आप अदरक हो, ये इलायची है, ये दूध है, ये चाय की पत्ती है, चीनी है, सारी चीज़ें मिलने से मुकम्मल चाय बनती है। इसमें से ना ये चाइना से आया है, ना ये पाकिस्तान से आया है, ना ये बांग्लादेश से आया है, हम देशवासी हैं ना, ठीक है ना। तो विरोधाभास किसके लिए कर रहे हैं हम, विरोध किसका कर रहे हैं, अपने देशवासियों का, ठीक है। वी आर द मटेरियल ऑफ आवर नेशन, ठीक है, विदाउट देन हैविंग कंप्लीट मटेरियल वी कांट मेक एंड बिल्ड एनीथिंग, बिना किसी पर्याप्त मटेरियल के लिए। तो हम आपको अगर गलत बोलते हैं तो पहले हम गलत हो जाते हैं, मेरी बात सुनिए, क्योंकि आप मेरे देशवासी हैं, मेरे अपने भाई हैं यार, ये आप अदरक हैं या इलायची हैं, चाय पत्ती हैं, ठीक है। कभी भगत सिंह आज़ाद की बात कर पाए अभी आप, कभी की है आपने, जिन्होंने कतरा कतरा 23 साल में हैंग हो गया, 13 युवाओं ने 130 परमाणु बनवा दिए, लड़ने के लिए हथियार चाहिए, तरफ के लिए पैसा चाहिए, काकोरी कांड किया, ठीक है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बारे में बात नहीं करेंगे आप, जिन्होंने कतरा कतरा दिया हमें, अपना खून दिया, एक एक दिन के खर्चे पे बिलियन खर्च कर रहे हैं, 1720 नेता पक्षों विपक्ष में बैठ करके आप इनके बारे में बात कर रहे हो, मोदी जी, अखिलेश जी, नीतीश जी, वट एवर, हमें बात करनी है। अगर विकास चाहिए, मेरी बात, इसराइल में 97 लाख केवल प्राणी हैं और 10-12 कंट्रियों अकेले भारी पड़ता है, क्योंकि 97 के 97 लाख लोग डिफेंस में बदले हुए हैं, एक लड़की वांगी यहाँ के 500 मर्दों भारी है, इसमें बात नहीं कर रहे। आप पाकिस्तान से कंपेयर करोगे यार, एक मिनट, जापान से करो ना, करो ना अमेरिका से, आपके मुद्दे सही नहीं है। सुनिए भाई, आपकी इतनी देर मैंने वार्तालाप सुनी क्योंकि शिक्षित हैं आप, और एक शिक्षित व्यक्ति को जिसके बेस होते हैं, मैन 1000 की भर्ती होती है ना, अभी दिल्ली पुलिस की आई हुई है, उस 1000 के लिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए इसके वाला श्रीमान जी, और आप बोलोगे मैं सुनूंगा, 1000 भर्तियों के लिए 27-28 लाख आवेदन केवल एक स्टेट से हो गए हैं, आवेदन पे जो चार्ज है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सैलरी बांट दी जाएगी। ये लड़के बच्चे हमारे भाई स्टेशनों में सो रहे हैं क्यों, जब आपके क्यों शिक्षा दे रहे हैं इनको, अगर नौकरी नहीं इनके लिए, उस बेस की शिक्षा क्यों दी जा रही है, वी गाइज आर टेकिंग एजुकेशन टू बी एम्प्लॉयड, इसमें चर्चा करो ना आप यार। हम कभी यूपी में लड़ रहे हैं, कभी छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं, हम हैं तो देशवासी, हमने कहा ना मटेरियल हैं अपने देश के, जितना मेरा वजूद है उतना ही इस भाई का वजूद है, इस भाई के वजूद को अगर मैं नकारूंगा ना तो मुझसे ज़्यादा दरिद्र कोई नहीं है, इसके वजूद का सम्मान करूंगा तब कोई चीज़ वजूद में, क्योंकि भगत सिंह का अपना वजूद था, आज़ाद जी का अपना वजूद था, सुभाष चंद्र का अपना वजूद था, मैंने कहा ना मटेरियल वो सब मिले तब एक चीज़ गूंथी गई, और केवल एक फूल की माला अच्छी नहीं लगती जनाब, ठीक है। आप बेसिक बेस बात कीजिए, मैं आदरणीय मोदी जी के बारे में कोई विरोध नहीं करता, मैं आदरणीय श्री नीतीश जी के बारे में कोई विरोध नहीं करता, अखिलेश जी के बारे में नहीं करता, लालू जी के बारे में नहीं करता, क्योंकि नेता विशेष से मैं बात करना नहीं चाह रहा, मैं बात उस बेस पे करना चाहता हूँ जो बेसिक हमारी और आपकी नीड है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें अंधभक्त की धुलाई नहीं है, पर आपको सच्चाई देखने को मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये वीडियो हमने पब्लिक की आवाज़ चैनल से लिया है और हम चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आज के समय में इन मुद्दों पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। आज के समय में कोई मोदी जी की तरफ बात करता है तो कोई राहुल गांधी को सपोर्ट करते नज़र आते हैं, या फिर एक व्यक्ति विशेष की तारीफ करने में लग जाते हैं, पर इस व्यक्ति की बात सुनकर शायद आप में बदलाव आए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं भावुक हुआ और बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आई। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं धन्यवाद करता हूँ पब्लिक की आवाज़ चैनल को, उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया और ऐसे लोगों से मिलकर इतनी सच्चाई को दिखाने का साहस दिखाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है, कि कंपेयर नहीं करना चाहिए पाकिस्तान से, जापान से करना चाहिए, अमेरिका से करना चाहिए। तो बता दें कि अमेरिका कब का आज़ाद हो चुका था, जापान तो कब का अपना आज़ाद हो चुका है, आई पाकिस्तान इंडिया जो तो दो भाई था, मतलब कि बाप बेटा जो जिसको बोलता है सब, वो था 14 अगस्त को वो हुए, 15 अगस्त को हम लोग का देश हुआ। तो उससे कंपेयर ना करें जो मतलब एक दिन पहले हुआ, साथ में ही आज़ाद हुआ, और वो उसका स्थिति अभी कहाँ है, मेरा स्थिति कहाँ है। जहाँ तक बात होती है पाकिस्तान से कंपेयर, जहाँ तक करने की बात होती है, तो पाकिस्तान की इतना हैसियत नहीं कि इंडिया उससे कंपेयर करे। सबसे पहली बात, हम यहाँ पे कोई भी उसकी बात कोई इतना बुरा समय नहीं आया उसके बारे में, उतना उनसे इतना भी दिन नहीं गिरी कि उसके बाद बात करें। यहाँ पे किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति विशेष से हमको किसी प्रकार कोई लेना देना नहीं, कोई भी हो, कोई पार्टी से भी लेना देना नहीं, जो काम करेगा उसी के नाम लेगा। और जहाँ तक बात रही, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट को इतना कैपेसिटी नहीं है कि पूरे अपने युवाओं को नौकरी दे सके। आपको पता है सब, एक मिनट क्षमा चाहती हूँ, क्षमा प्रार्थी बात काट रहा हूँ। सांप कोबरा काटेगा तो ब्लैक मामा का डीडोस काम नहीं पाएगा। और मैंने कुछ पल पहले कहा, अगर सही जानकारी अपने दोपहिया वाहन की नहीं है आपको, 1% पढ़ी लिखी यू तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताया जा रहा है,
इवन फंडामेंटल राइट पता नहीं, दे आर एमबीए और बीटेक वर्दे वर्दे आर। हमारा इंजीनियर विदेशी टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप चाइना को लेकर खड़े हुए हैं। चाइना नहीं, नहीं। मैं आपको बताऊँ, असेंबल पता करो किसका है, ठीक है? तो हमारा इंजीनियर जो एजुकेशन ले रहा है वो विदेशी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की एजुकेशन ले रहा है। एक पैरास्टामोल भी अगर कोई डॉक्टर हिंदी में लिख के दिखा दे तो मैं उसकी जूते में पानी पी लूंगा जाकर के। तो अवर डॉक्टर्स आर टेकिंग एजुकेशन टू प्रमोट ड्रग्स ऑफ अदर कंट्री, अवर एमबीएस आर टेकिंग एजुकेशन टू प्रमोट प्रोडक्ट ऑफ अदर कंट्री। तो जो बच्चे बात कर रहे हैं, मैंने कहा ना बच्चों को आपस में एक जुट होकर के कुछ अच्छा कर पाएंगे, तो इनकी एकजुटता को क्यों नहीं सामने लाया जा रहा है? ये एकजुट हो ना, कोई कोई ये भाई भाजपा को प्रमोट करते हैं, ये भाई नीतीश जी की पार्टी को प्रमोट करते हैं, कोई लालू जी को प्रमोट करता है, ये है तो सब पटना के शहरवासी नगरवासी, और ये सबको इन सबकी जरूरत है पटना को, ठीक है? अगर ये सब मिलके किसी चीज़ पे काम करेंगे तो ये पटना पटना नहीं रहेगा, क्या हो जाए, कैसे क्या हो जाए। सबसे पहले हमारे मेरी बात के नेताओं जो हैं, सबसे पहले उन्होंने एक चीज़ सबको बैठा दिया, खास करके बिहार में, कि दिमाग में इस चीज़ को बैठा दे, सबसे पहले फूट डालो राज करने वाला काम करते हैं। अब मैं जाति के नाम पे बांटो, इसी बात का जवाब दूंगा भाई, गरीब अमीर के नाम पे बांटो, सबसे पहले जाति के नाम पे बांटो। एक बात बताइए, 500 करोड़ रुपए खर्च करके जाति जनगणना करना कराना कोई उचित नहीं था? उससे किसी प्रकार के कोई फैक्ट्री लगवा देते या किसी प्रकार कोई प्लांट बैठा देते, जो इतना आदमी यहाँ से बाहर जा रहा है ट्रेन में धक्का करके दिल्ली गुजरात, वो तो कम से कम जाना बंद होता ना, कुछ तो कम होता। यहाँ का सरकार ही वही है कि सबसे पहले तो 15 साल हो गए ले लिए, उसके बाद ये ले रहे हैं, उसके फिर आदमी अभी भी नहीं सुधरा, अभी भी नहीं सुधरा, सब जाति के नाम पे वोट देगा। हम यादव है तो हम लालू यादव को वोट देंगे, राजपूत है तो भाजपा। पूरे देश में जाति जनगणना होगा, पूरा देश में जाति जनगणना इतना भी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। पहली चीज, एक शब्द मैं रोज सुनता हूँ, ठीक है? भाई ने कहा कि पाकिस्तान तो बांग्लादेशी भारत का हिस्सा है, भूटान नेपाली भारत का हिस्सा है, सही जानकारी दुरुस्त कर दी जाए, हम भारतवासी हैं। माँ भारती इसलिए बोला गया कि विश्व को सभ्यता भारत ने दी, जीरो का आविष्कार आविष्कारक भारतवर्ष, ठीक है, दशमलव का आविष्कार भारतवर्ष, हर ग्रह को ऋषि पद्धति ने नाम दिया और हमारे ऋषि साइंटिस्ट से ऊपर थे, ठीक है? 500 साल की इमारतें और 1500 साल के 2270 साल पुराना खजुराहो शिव टेम्पल सेक्स टेम्पल है, उसमें जो इंजीनियरिंग लगी है 10,000 साल तक जर्मन जापान अमेरिका सोच भी नहीं सकता। या यूँ कहते हैं कि उन लोगों के सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या थे? हमें जो शिक्षा दी जा रही है वो विदेशी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की, विदेशी दवाइयों को प्रमोट करने की, विदेशी प्रोडक्ट को प्रमोट करने की। भाई साहब अगर घर में कॉलगेट भी करते हैं वो भी अपना नहीं है, एचएल से लेकर प्रॉक्टर गैंबल में एक प्रोडक्ट आपका अपना नहीं है। जिस श्रीमान जी जिस मोबाइल से कवर कर रहे हैं मुझे, वो टेक्नोलॉजी हमारी अपनी नहीं है। इतना प्रोडक्शन एजुकेशन देख कबाड़ा बना करके हमें क्या जरूरत है? हमें एंटी करना चाहिए। खाना खा रहे हैं तो केमिकल खा रहे हैं, अभी भैया को दारू पिला दी जाए सोच बदल जाएगी, बॉडी में केमिकल गया, ठीक है? ईट हेल्दी थिंग बेटर, विवेकानंद ने ऐसे तो कहा नहीं। ड्रग्स दे दिया जाए, आदमी की सोच बदल जाएगी। आज यहाँ स्टेशन पे मैंने कई बार देखा है छोटे छोटे बच्चे वाइटनर लेते हुए घूम रहे हैं, वो ड्रग्स ले रहे हैं और वो अच्छे से अच्छे बंदे की जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं। एक गलत व्यक्ति 100 को खा डालता है। अभी आप रोड पे जा रहे हो बड़ी सभ्यता से, सज्जन एज अ जेंटलमैन एक दारू पी के आएगा, ठोके आगे खत्म कर देगा। तो अब बचना क्या है? दूसरों की गलतियों से बचना है। हमारे पास चर्चे सही नहीं है डियर, ठीक है? मुद्दे सही नहीं है हमारे पास। हम भाई भाई दुश्मन बन रहे, एक दूसरे की बात पार्टी के बाद खत्म करो। हर दूसरे घर की कहानी है भाई भाई साथ बैठ के रोटी नहीं खाते, उन पर चर्चा कर लीजिए। वो तो किसी एक अलग कास्ट के भी नहीं है, एक डीएनए है, एक माँ की कोख से पैदा हुए हैं। तो विद्रोह होता जाएगा बिकॉज सोच गंदी हो रही, खाना गंदा जा रहा है अंदर, बॉडी में क्या हाइब्रिड हो चुके हैं। थोड़ा भगत सिंह आजाद को पढ़ लें, ठीक है? अब आती है बच्चे बाहर भागने की। तो यार हमें, हमारा बच्चा किसान का बच्चा, भाई भाई साहब पेप्सिको के चिप्स खाते हैं, लेज अंकल चिप्स, एक बच्चा पैदा होते ही बॉर्नविटा और नेस्ले कैडबरी के प्रोडक्ट लेना शुरू कर रहा है, वो हमारे अपने नहीं है ना, कोई भी अपना है प्रोडक्ट बताइए। तो भाई साहब उस पर बात करें, अगर ये वाकई देश की और भगत सिंह आजाद जरा सी भी पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी की या सुभाष चंद्र बोस की परवाह करते हैं, उनके दिए कतरे का ख्याल है, तो ही शुड सर्व अ वन चाइल्ड, सेव वन चाइल्ड। इफ यू विल सेव रनिंग वी कैन रन अवर माउथ लाइक भाव 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 भाव, मुँह चलाना बड़ा आसान है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगा हुआ श्रीमान जी। हम पुट अप और शट अप पे बिलीव करना चाहिए। कहा ना हिटलर कहाँ उठाता, नहीं तो सुभाष चंद्र बोस के सामने, और आज़ाद हिंद फौज के ही फंडामेंटल पर इसराइल चल रहा है, इतना सा कोरिया चल रहा है, और अपने एक्सपेरिमेंट करके अमेरिका को धमकी देता सीधे कि व्हाट आई एम कैपेबल फॉर, स्टे अवे फ्रॉम अस। तो हम तो बहुत बड़ी आबादी वाले देश लोग व्यक्ति हैं, आबादी तो बढ़ा ली हमने, अपनी मानसिकता को ग्रोअप नहीं किया, ठीक है? जो सोच जिसकी गरीब है, गरीब सोच हो गई कि हम मोदी जी को प्रमोट कर लें, एक व्यक्ति विशेष को, ये काम करते हैं और ये चाय की पत्ती भी घर में लेके आते हैं, वो टैक्स पेड है। मेरा बच्चा अगर बोनी के निपल भी लगाता है वो टैक्स पेड है, ठीक है? और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं कुछ चीज़ों पे 100% से ऊपर, उनके बारे में चर्चा करें जनाब, डेटा खोलें,
कोई अपनी प्रॉपर्टी, कोई नेता चाहे वो नीतीश जी हो, अखिलेश हो, मोदी जी हो, राहुल हो, कोई एक्सेट्रा एक्सेट्रा एनी वन अपनी प्रॉपर्टी बेच के तो दे नहीं रहे हमें। मैं उस पर बात करूँ ना, मैं इनका डर इनसे डरता हूँ। डरता क्यों नहीं हूँ, भगत सिंह की पूजा आजाद जी की पूजा करके बड़ा हूँ। क्यों? अच्छा खाना रहेगा भैया, भाई की सोच भी अच्छी रहेगी, सोच अच्छी रहेगी भाई की, भाई चार को सर्व करेगा। नशेड़ी व्यक्ति गैर जिम्मेदार हो जाता है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मेरी बात साबित होती है? जो व्यक्ति लोग, जो लोग नशे में रहते हैं ना, अब खाने में आप नशा ले रहे हो तो आप जिम्मेदार रहोगे ना? अपने समाज के प्रति जिम्मेदार रहोगे ना? मानवता के प्रति जिम्मेदार रहोगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो यूनिटी कर लें यार, हम देशवासी हम पहले हम आपस में यूनिटी कर लें। हम इनकी, मेरा इतना बुरा समझ नहीं आया कि उन चीज़ बात करूँ। मैंने कहा जिन पर मुझे बात करनी, मैंने आपसे खुद आकर के मैंने इंटरव्यू किया भाई से, और ये मेरे अनुज हैं, ठीक है। मैंने कहा ना कि मैं चीनी हूँ तो याद रखें, और हम दोनों मिलेंगे तो एक मटेरियल बने। आज़ाद भगत नहीं मिलते तो एमिनेशन क्रिएट नहीं हो पाता, और 130 परमाणु तक हम पहुँचे कि लड़ने के लिए हथियार चाहिए, अपनी पैसा की काकोरी कांड करके उन्होंने एमिनेशन क्रिएट किया। वो बात नहीं करते थे, वो करते थे, तो उन चीज़ों पर बात करनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। उन चीज़ों बात करनी चाहिए जो रियली बेसिक प्रॉब्लम है हमारी, जो बेसिक नीड इनकी और मेरी है, ठीक है। बच्चों को भय में, अभी ये भाई घर से निकलते हैं और मैं घर से निकलता हूँ तो घर के वेल विशर और गार्जियन ये बोलते हैं बेटा चोरों बदमाशों से बच के रहना, अपना पैसा पर संभाल के रखना, अनाउंसमेंट भी होता है तो भाई किसका। यही बात मैंने अभी कप्तान साहब से पूछी है, उसके भी इंटरव्यूज मेरे मीडिया में, शिमा जी यूर ऑन चेयर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, थानों के बाद आपने लिखा है क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, उसका अर्थी मालूम है आपको? और मैं आपसे ऐसी बात करूँ, मुझे स्वयं चल लग रहा है। अब मैं अपने बच्चे को भी डर दूँ चोरों का? मैं तो अपने बच्चों को डेरिंग दूंगा। मेरा जो संवैधानिक अधिकार, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब मुकदमा दर्ज होगा 379 में चोरी का, कॉन्स्टिट्यूशन पता है मुझे, अपने बेसिक राइट पता है, ठीक है। किस विधि पर दिन में 100 बार नियम तोड़ने वाले लोग नेतागर्दी की बात करेंगे? उनको राइट नहीं है यार, या मैं हूँ या आप हूँ या कोई और हो, जो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदारी से अपना काम कर सकते हैं। उन्होंने भी सोचा यार लोग 300 साल से पिट रहे हैं, भगत सिंह आजाद भी सोचते हम भी ऐसे करें, ठीक है। मरता हूँ गहरा बड़ा वर्ड, यहाँ एक बच्चा अगर भूखा सोया है और उसको नीड है तो हमें जिम्मेदारी से आगे जाना चाहिए, ठीक है। वो है जिम्मेदारी हमारी, वो बच्चा पाकिस्तान चाइना और बांग्लादेश का नहीं है, वो हमारे देश का, हमारी मिट्टी का बच्चा है, ठीक है। वो बात है जिम्मेदारी, बात हमें भागना नहीं चाहिए। उन्होंने भी जिम्मेदारियाँ निभाई, हर कतरा, चाहे गुरु गोविंद से आपको ले लो, महाराणा प्रताप जी को ले लो, छत्रपति शिवाजी को ले लो, हर व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, और जिम्मेदार लोग कभी गलत नहीं होते। तो एक जिम्मेदारी भरा आंसर कहें हमें, मेरा देखिए वो जनता प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि वैसे ही होते हैं जैसी जनता होती है। किसी एक को विशेष कह देना, एक की बुराई कर देना, ये भी हमारी अच्छी छवि नहीं है। है तो काम बुराई किसकी कर रहे हैं? अपने देशवासियों कर रहे हैं। अगर मैं इस भाई को बुरा बोलता हूँ तो यार कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, हूँ या नहीं? जो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, बुरा देखने की बारी आई मुझसे, बुरा ना कोई। कोशिश करूँगा कि मैं अपनी गलतियों पर काम करूँ, बेहतर से बेहतर इंसान बनता चला जाऊँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ हज़ारों क्राइम रोज हो रहे हैं, और हमारे 10% युवा जो यात्रा करने आते हैं ना, यहाँ कमी है वहाँ कमी। अभी बोल रहे थे एक बाबा जी वहाँ पर कि वहाँ पर पैसा इशू नहीं होता, लेबरों का ये है वो है। तो यार हमारे शिक्षित युवा हैं, गांव के प्रधानों से मिले यहाँ करके, संडे इनके पास होता है, ये पफ मार करके सिगरेट और हैंकी फेंकी और सेल्फी लेने के लिए बने हुए हैं। दे शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, और जब ये जिम्मेदार होंगे तो गांव में, चलो संडे के रहने आज घूम के आते हैं हम लोग, अपने गांव के लोगों से मिलकर आते हैं आसपास, इससे इनके पास किसानी की भी नॉलेज होगी, सॉइल क्या होता है इन्हें ये भी पता लगेगा, हमारे किसानों के बीच में कैसी क्या क्या समस्याएं हैं उनके जानेंगे ये, और शहर में आकर ये आप लोगों के सामने रख सकते हैं। विजिट करते भाई, मीडिया इतनी तो है नहीं हर जगह पहुँच जाए, ठीक है, हर व्यक्ति मैसेज की। तो 1100-1200 लड़के अगर पटना में अगर एक्टिव हो गए तो वो लड़के तो धुआं उठा देंगे पूरे विश्व में, तो वो लड़के जिम्मेदार होंगे। और एज अ सनातन का मतलब होता है सृष्टि के रक्षक, ठीक है। हम सनातनी हैं, बेसिक सनातनी हैं, हिंदुत्व को पैदा हुए केवल 110 साल हुए, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बेसिक हम सनातनी हैं। बुद्धिज्म का जन्म भी माँ भारती कोख में हुआ है, उसमें भी संस्कृत बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है। खालसा कोई रिलीजन नहीं, पंथ 300 साल पहले सिख बनाए गए थे, हर छः घर छः फुट का बेटा बोलकर सरदार जी बनाया गया था। तो बेसिक, और जो एशिया में हमारे मुस्लिम भाई हैं 99.9% बाबर मई चुके, हम कन्वर्टेड है मुस्लिम है एशिया में। तो बेसिक मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है हमारी बेसिक जरूरतें। क्या हमारा बच्चा आगे चल करके यहाँ खुशी भरे माहौल में जिएगा? क्या हमारे, हम लोग विरासत में क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? भय और प्यार। एक फॉरनर्स आती है ना वहाँ से निकल करके, इतनी टाइट एम्बेसी है उसके साथ, चोरी करके दिखाइए आप, हम कबाड़े हैं यार, वी आर स्क्रब, वर्ल्ड में कोतिक तरह ट्रीट किए जा रहे हैं। ये पहचान है हमारी, हमारी पहचान बनाइए ना कि हमने ये क्रिएट किया, जो हम क्रिएट करते हमारे विश्व में माँ भारती कराई गई थी, पूरे विश्व को हर चीज़ दिया है भारत ने। तो माँ भारती के बेटे हैं ना हम, लाल हैं ना, तो लाल वाली बात करें, कबूत वाली बात क्यों करें? हम इस तुम्हें क्यों कबूत बनाएं? हम तो मेरे भाई हो, हम तो तुम्हें साथ देंगे अच्छी चीज़ों में, और तुम हमारा दुआ करके क्यों, क्या मेरी बात सही है? तो डिस्कशन, अगर मुद्दे सही हैं
चर्चा के मुद्दे सही ढूंढ बनाओ मेरे भाई। जब मुद्दे सही होंगे आपके तो चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, वरना अगर मुद्दे गलत होंगे मेरे भाई, घर में भाई भाई के साथ बैठ के रोटी नहीं खा पाओगे। और ये हर घर किसी घर की कहानी है बेसिक। एक बच्चे को 40 लोग पालते थे, चाचा ताई मामी बुआ मौसी, आज एक बच्चा अकेले नहीं पल रहा है। 80% कपल टूट रहे, परिवार टूट रहे, तो देश टूटेगा। आप बताइए ना, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप देखिए ना, ये चीज़ें जब समस्याएं आम हो जाएं तो हर सीमा को पार कर चुकी है। अपराध आम हो जाए तो हर सीमा को पतोड़ने वाला होता है। आप डिस्कशन करो डियर, मैं आपसे एक घंटे डिस्कशन करूंगा, अच्छी चीज़ों कर लो यार। बट इसको मैं अगर ये मेरा भाई है, सपोज करो मैं कहता हूँ मैं सनातनी हूँ, ये इस्लाम से ताल्लुक रखता है, मैं इसके सामने चिल्ला दूँ जय जय श्री राम, ये अल्लाह अकबर चिल्लाएगा, मैं रुकसा रहा हूँ, जय जय हिंद, तो ये भी जय हिंद चिल्लाएगा। मजबूर कर दूंगा इसको देश की जय बोलने के लिए। डिपेंड करता कि मैं किस चीज़ों को प्रमोट करना चाहूँ। देश से बड़ा ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कुछ है। और जब देश से बड़ा धर्म और जात कास्ट हो जाएगी तो कितनी आर्मी बनाओगे? अहिर रेजिमेंट वर्सेस छत्री महासभा वर्सेस परशुराम सेना वर्सेस भीम आर्मी वर्सेस। मुद्दा देश है, और देश से बड़ा ये मोदी जी भी कहते हैं और हर क्रांतिकारी ने कहा है, देश से बड़ी कोई चीज़ नहीं। तो देश से बड़ा किसी धर्म को कास्ट को मत बनाओ, किसी नेता विशेष को भी मत बनाओ, ठीक है? वो झक मार के हमारे लिए काम करेंगे, क्योंकि वो हम मंदिर में भगवान को देखिए, यहाँ सामने प्रभु श्री बजरंग बली का मंदिर है, हम लोग दान पुण्य भी करते हैं, क्या भगवान को हम कुछ दे सकते हैं? ठीक है, हम तो उल्टा उनसे भीख मांगते हैं आकर के। दान पुण्य करते हैं कि वो मंदिर का संरक्षण अच्छे से हो, वहाँ पर कुछ नीडियों की हेल्प हो, वहाँ प्रसाद भी मिले लोगों को। तो ऐसी देश के लिए हम टैक्स के रूप में देते हैं दान पुण्य। और मेरा बच्चा अगर एक टॉफी भी खाता है वो टैक्स पेड है। आप भी करते हो वही दिन में चाय के पति, और वो भिखारी भी अगर एक बिस्कुट पैकेट ले आता वो भी देता है। तो अब आप उन चीज़ों में बात करके बेसिक आपकी जो ज़रूरतें हैं डियर, बेसिक हम युवाओं की जरूरत है, हमारे युवा अगर कैपेबल हैं यार, मुझमें हुनर है। सपोज कीजिए आप किसी पार्टी को फॉलो करो, किसी भी पार्टी को फॉलो करो, लेकिन जब बात देश की आए ना, केवल देश की बात करो और अपने देशवासियों को नीचा मत दिखाओ। मैं इनसे लड़के क्या हासिल करूँगा? कुछ हासिल नहीं कर सकता। इन्हें आहत करके मैं क्या हासिल करूँगा? चलिए, तो ये हमारे साथ भाई साहब बने हुए थे, आज लॉन्ग वीडियो हुआ, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बेसिक मुद्दे पर बात कर रहे थे। इस मुद्दे पर लोग जो है बहुत कम ही बात करते हैं, ज़्यादातर राजनीति में लोग घुस जाते हैं और उत्सुक हो जाते हैं, जय श्री राम को अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। उसी बात को भाई डिफाइन कर रहे थे कि किस तरीके से करना चाहिए, अपने बेसिक मुद्दों को उठाना चाहिए, जिस चीज़ को ज़िंदगी में हम अपना ढाल रहे हैं उस चीज़ से बचना चाहिए, जो चीज़ हम विदेशी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को हमको समझना चाहिए कि कौन चीज़ अपना देश का है और कौन चीज़ देसी है, कौन चीज़ स्वदेशी है, इस चीज़ को समझना चाहिए। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा? लाभ और दुष्प्रभाव क्या है वो भी हमें देखने हैं। बिल्कुल, खास करके दुष्प्रभाव भी होता है, खास करके दुष्प्रभाव भी होता है, जो भी आप बाहर के प्रोडक्ट यूज करते हैं या जो भी अपने अंदर प्रोडक्ट यूज करते हैं, ज्यादातर उसमें जो है समझिए कि आपको नुकसान पहुंचाने वाले मतलब प्रोडक्ट जो है अंदर जाते हैं। बाकी वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़, और मैं हूं साहब राज, बहुत बहुत धन्यवाद।